अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज हम अपने सी प्लस प्लस सीरीज का थर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं और थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक प्रीवियस जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया था उसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये जो हमारी एक्सरसाइज है, प्रोग्राम है, हम किस बेस पे कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिकली वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशलाइज कैसे करते हैं। और साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि भाई ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि भाई हम अपना प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई ग्लोबल वेरिएबल हम क्या कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं और लोकल वेरिएबल हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ हम अपना सीखेंगे कि भाई वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरलाइजेशन कैसे होती है, किस हिसाब से होती है। तो गाइज, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी आईडी की तरफ, डेव सी प्लस प्लस। जैसे मैं अपनी डेव आईडी पे ओपन होऊंगा, यहाँ पर हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, हमें एक सोर्स फाइल जनरेट करनी होती है जिसकी एक्सटेंशन डॉट सी पी पी होती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे सेव एज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फाइल क्रिएट की, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव एज। भैया हम इसको नाम देना है, जिसे हम अपने, ये हमारा क्या है, प्रोग्राम थर्ड है, प्रोग्राम थ्री। अब इसमें क्या करेंगे हम, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। जैसे हमने अपनी एक सोर्स फाइल क्या किया है, जनरेट कर ली है, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पर हमारे पास क्या होती है कि भाई हम एक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें। क्या करें, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और हमें पता है जब भी हम अपना इनपुट आउटपुट लेते हैं अपने सी प्लस प्लस में तो हम क्या, कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, आईओ स्ट्रीम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना होता है यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस। STD, ठीक है, स्टैंडर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इंट मेन। बेसिकली हम करते क्या हैं, इंट मेन, मैं एक पूरी बॉडी बना लेता हूँ अपने प्रोग्राम की, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और मैं यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट पहले यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम सी आउट, हेलो टेक्निकल हब, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, और रिटर्न हम जीरो करेंगे कि ताकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर को पता चल जाए कि भाई जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रिटर्न जीरो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले कहेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कंपाइल एंड रन। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हमने कहीं भी मिस्टेक नहीं की, हमारे कंपाइलर ने पूरा उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब जो हम मेन आज के टॉपिक पर आते हैं, बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेसिकली लोकल वेरिएबल हम इंटायर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और ग्लोबल वेरिएबल हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, एक मतलब उसको डिक्लेयर करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट्स कर रहा हूँ क्या भाई, ग्लोबल वेरिएबल, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल। डिक्लेरेशन ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है।
अब मैंने अपने लेक्चर में आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कुछ मेथड्स बताए थे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लेके उसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट डिक्लेरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, मैं इसको मैं वैल्यू अलोकेट नहीं कर रहा, इनिशियलाइज नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट ए। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पर डिक्लेयर कर दिया एक ग्लोबल वेरिएबल जो हम इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ गया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसी कमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। कमेंट से क्या हुआ कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि भाई प्रोग्राम बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इसमें हमने किस 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 प्रोसेस को फॉलो किया है, तो कमेंट्स आप लाजमी ऐड करें। अब मैं ग्लोबल की जगह पर यहाँ पे कर दूंगा लोकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा है मैंने, लोकल जैसे मैं करूँगा इंट ए कामा बी। अब मैंने यहाँ क्या किया है, दो वेरिएबल सॉरी बी कामा सी, क्योंकि मैंने ए ऊपर कर दिया है। अब मैंने यहाँ क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, लेकिन अभी तक मैंने इनको इनिशियलाइज नहीं किया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा। पहले मैं कमेंट्स दे देता हूँ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ वहाँ पे उनको मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू एलोकेट कर रहा हूँ। बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 20। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने ए को इनिशियलाइज नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ए को भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ। भाई हमारा जो ए होगा वो बराबर किसके होगा, बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेमी कॉलन के यहाँ पर चले गया। भाई यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस है वो लाइन है वो एंड हो रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ जस्ट प्रिंट करवाना है किसको, ए को। मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि भाई जो लोकल वेरिएबल है मैंने इंटायर द कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या कर रहे हैं, हम इसको ग्लोबल एक्सेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको ग्लोबल एक्सेस किया। आप क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मेरे हिसाब से 39 चाहिए। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या कर रहा है, सम कर रहा है, लेकिन हम ग्लोबली किसको किस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, वहां से हमें एक्सेस कर रहे हैं। अगर हमें इस को दोबारा प्रिंट करवाना है, अब हमें इसे क्या करना होगा, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी होगी, सिर्फ हमें इसको इनिशियलाइज करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट सम ऑफ टू वेरिएबल। सम ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ए को यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हैं सम 30 एंड सम ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे मैं इसको न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए लिख देता हूँ स्लैश एन। प्रोसेस कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ टू वेरिएबल है वो एक दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं। तो गाइज आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे करते हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे भी इनको और डीपली कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। जैसे जैसे हम बेसिक से एडवांस जाएंगे तो हम इंशाल्लाह हमारे प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे होते जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।